पंजाब और हरियाणा की हिमाचल सरकार द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने के विरोध पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वक्तव्य दिया और कहा कि पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री से वाटर सेस मामले में बात करेंगे। पंजाब हरियाणा सरकार के सामने गलत तरीके के मामले पेश किए गए हैं। पानी राज्य का विशेष अधिकार है और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी वाटर सेस लगाया है, जिससे किसी भी तरह से पंजाब और हरियाणा के पानी के अधिकारियों व अन्य कानूनों पर कोई असर नहीं होगा। देखिए, मैंने सदन में अपना वक्तव्य दिया है, वो सब कानूनों के आधार पर है। ना पंजाब गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है, ना हरियाणा गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर ये वाटर सेस लग रहा है, तो ना इसमें पंजाब सरकार को चिंता करने की जरूरत है, ना हरियाणा सरकार को चिंता करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उनके पास ये केस प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को ये जिस ढंग से केस प्रेजेंट किया होगा, उस आधार पर उन्होंने ये संकल्प लिया होगा और उस दृष्टिकोण से कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा ये कहना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उन पर वाटर सेस लगता है, और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। मैंने पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। शिमला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, युगमार्क टीवी।